घर वालों ने भाई एक धचका दिया, बिजली के बिल आ चुके हैं, सूजी का हलवा बनवाया देसी घी का। मैं घर अपना स्टार्ट कर पाऊंगा, अभी मोटी फाइल है ये भाई, हम एलडी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं। ये मुशोपश क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं मैं चैनल सब्सक्राइब साथ में मेरे को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज क्या ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज भी वैसे उठने का दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी उठ चुके हैं, अभी भी चलते हैं नीचे। घर वालों ने भाई एक धचका दिया है और धचका मैं आपसे भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी धचका हो। जैसे आपसे आप लोगों को क्या धचका होगा यार, धचका तो वैसे मुझे पड़ा ना। अभी फिलहाल भाई ये चीज़ बिजली के बिल आ चुके हैं और मूसा अभी भी नहीं करके आया तो कपड़े फैन से रो रहा है। और मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ये चेक करें। एक बिल है जी ये वाला 23,000 का और एक बिल है जी ये वाला 21,000 का। अभी टोटल ये है कि अभी भाई 50,000 रुपये बिल आया और 50,000 रुपये मैंने बिल जमा करवाना। 50 नहीं तकरीबन कितना है, 23 और 21, 44,000, 44 से 45,000 रुपये का बिल बनता है। अभी वही सुबह सुबह अगर आप लोगों के सामने 45,000 का जब टीका आ जाए ना तो टीका बहुत हैवी लगता है और उस टीके की ना दर्द बहुत ज़्यादा होती है। आप टीका समझ रहे हैं। अभी फिलहाल खैर नाश्ता वगैरह करते हैं और आज घर में स्पेशल एक चीज़ बन रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, अभी सुबह सुबह का टाइम और घर में रेडी हो रही है जी होम मेड हलवा पूरी, जो कि अभी मैं आपको बना के दिखाऊँगा। ये चेक करें, अभी ऑयल गर्म हो रहा है, ये गिरियाँ शिरियाँ, सूजी का हलवा बनवाया देसी घी का, ताकि सारे सबकी जो जो कमी है ना उतना पूरी हो जाएगी। और ये रहे जी चने हलवा पूरी वाले, सब कुछ होममेड। चलो जी अभी हम बना रहे हैं जी पूरी। मैंने घर वालों को बोला जी लाए आपको, मैं एक बना के ना आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। खानी है नान खाना है? अच्छा अभी आपका नान लेके आते हैं। अभी जा रहा हूँ जो नान लेने के लिए, क्योंकि मोहम्मद मुसा जिद कर रहा है कि मैंने नान खाना हलवा पूरी नहीं खानी, अभी उसके लिए जा रहा है नान लेने के लिए। और भाई भाई धूप छूप निकली हुई है। चलो जी अभी सब कुछ रेडी हो चुका है और ये चने वगैरह अभी इसको टेस्ट करते हैं हलवा पूरी को। हलवा पूरी हमने कैसी बनाई सब घर वालों ने मिल के, अब फाइनल टच इसको मैंने दिया था ये पूरी को। अशरफ भाई की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि शरद भाई फ्री हो, मैंने कहा जी यार मैं तो बिल्कुल फ्री, कहते चलो फिर आ जाए मैं भी फ्री हूँ तो जाके हम अपना नक्शा जमा करवाते हैं आज ऑफिस में। कहा चलो ठीक है, अभी सिर्फ कुछ भी करना कराना बस घर स्टार्ट करते हैं और नहीं कहते जाकर नक्शा फाइनली जमा करवाते हैं। यार काफ़ी दिन से हमारा पेंडिंग हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है वैसे, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में पड़े थे सारे अलहमदुल्ला कम्प्लीट हो चुकी हैं। गाड़ी निकाली भाई और काशिफ भाई की भी कॉल लगी कि आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। एलडी ऑफिस जाना है, वहाँ पे फाइनली आज हमारा नक्शा जमा हो जाएगा। नक्शे के बाद भाई कोई चीज़ नहीं है जो पेंडिंग रहेगी, फाइनल प्रोसेस है ये और नक्शा जमा होगा 12 दिन बाद मुझे मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये है कि भाई मैं घर अपना स्टार्ट कर पाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। सारी फाइल पड़ी है कश्मीर के पास, आपको फाइल भी चेक करवाते हैं कितनी मोटी फाइल है। जब आ रही थी इन पर साइन करने की तो अब्बा जी कह रहे थे यार किन्ने को साइन करवाने, अभी फिलहाल काशिफ भाई वेट कर रहे हैं, चलते हैं और जाकर उनको पिक करते हैं और आपको नक्शे के फाइल भी चेक करवाते हैं। ये मैं साहब ये काशिफ भाई के पास रहा है, वो नक्शा हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आज हमें सबमिट करवाना है। और हमारा एक बंदा है वो भी गाड़ी लगाने गया है, वो गाड़ी लगा रहा है ये देखो ब्लैक। अभी फिलहाल एडी ऑफिस हम आ गए हैं, नक्शा वगैरह जमा करवाते हैं, आपको सारा प्रोसेस आपको बताएँगे अभी सारा कुछ। मैं साहब बस एक हमारा एक हम ज़रा चीज़ भूल गए हैं, नक्शे में बेसिकली होते हैं 3 विटनेस, तो हमने 2 डाल दिए हुए हैं, एक बस रह गया। एलडीए का ज़रा टाइम भी कम है क्योंकि ये इनका एक नया ही रोल है। कॉपी करवाने आए हैं, कॉपी रिक्वायर्ड हैं भाई, जो चलाना एलडी जमा करवाया था मैंने।
एलडी ऑफिस से भाई बाहर आ चुके हैं और एक बैड न्यूज ये है कि हमारा नक्शा जमा नहीं हुआ। नक्शा जमा नहीं हुआ, थोड़ी सी अपडेटिंग हो गई है यहाँ पे लास्ट टू डे से, मतलब कि वो इन्होंने सारा सिस्टम अपडेट कर दिया। इनका कोई ऑफिसर नया आया, उसने भाई अपडेट ये कर दिया। अब उसने बोला कि जो ऑनलाइन जो स्टाम निकलता है, जो इशू होता है, आप वो वाला 1000 वाला चलाओ, जिनके स्टाम लगाएं, फिर अपना नक्शा पास होगा। ये रहा नक्शा, और ये किस तरह का होता है आपको मैं खोल के भी दिखाता हूँ। ये चेक करें जरा, ये देख, ये सारा ये चीज़ें होती हैं इस पर, सारा नक्शा वगैरह ना। ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी मोटी फाइल है, ये चेक करें, बड़ी मोटी फाइल है। और भाई इस टाइम मैं गाड़ी में अकेला नहीं हूँ, ये माशाही साहब है और हमारे बड़े प्यारे बंदे हैं भाई, जिनसे हमारा बड़ा प्यार है, बड़ी हमारी से बहस चलती है, सियासी बहस हमारी बहुत ज़्यादा इनसे चलती है। और अभी मैट साहब जरा अंदर एलडीए गए हैं, ये भी चेक कर ले भी हम भाई, अभी भी भाई हम एलडीए ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, अभी बस मैट साहब का वेट कर रहे हैं ताकि मैट साहब आए और हम निकले अब। लेकिन सोचा था यार आज जमा हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जलालत प्रोग्राम हो गया भाई आज। कोई नहीं, रास्ता कह रहे हैं भाई सरकारी काम में, सरकारी काम में ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से लेनी है जी, प्लेन टाई लेनी है, बोल दी है वो निकाल रहे हैं, और रस का पैकेट लेना है। चलिए अभी मैं सबको उनके ऑफिस उतार दिया और राणा साहब को उनके घर भी उतार के जा रहा हूँ। और अभी लाहौर का मौसम भाई चेक करें, हाय यार क्या आउट क्लास मौसम हुआ है भाई, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। ये आपको दिखाता हूँ जरा, ये चेक करें जरा, ये सीन ये चेक करें, बहुत तेज अभी हवा चल रही है, बहुत आउट क्लास मौसम हो चुका है। लेकिन भाई आउट क्लास मौसम हो क्या कर रहे हैं यार, मेरा नक्शा जमा नहीं हुआ यार। खैर इसमें कुछ शायद कोई अलग ही बेहतरी है, अभी फिर दो दिन बाद का काम चल गया, अभी कल आज मैं उनको दूंगा, जिनसे मेरे साथ नक्शा बनवाया था वो कल यानी कि कल सुबह इंस्टाम पेपर निकलवा के देंगे, फिर अगर उस अगले दिन आके मैं सबमिट करवाऊंगा, क्योंकि उसी दिन तो ये सबमिट नहीं होना। लंच टाइम तो भी जा रहे हैं नान लेने के लिए, अपने लिए मोटा के लिए, और बाहर का भाई मौसम आउट क्लास है यार, चौकस मौसम है। ये चेक कर लीजिए मौसम कितना प्यारा हुआ होगा। मुझे सोए को उठाया जी, मैं सो गया हुआ था, खाना वगैरह खाया तो उधर बैठा हूँ, एक तो काम किए हैं, उसके बाद फिर मैं आगे लेटा तो मेरी आँख लगी, मैं सो गया था। उठा के खुला के गाड़ी में बैठ गए, वो देखिए अभी भी फाइल गाड़ी के अंदर ही पड़ी हुई है, मैंने प्रेशर वाला डाल गया था क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, और फाइल शाइल अभी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। खैर अभी भाई अभी हम मूसा को लेके जा रहे हैं भाई, सर घर वाले भी जा रहे हैं, और अभी कपड़े शपड़ा उतार दिए, और अभी पता नहीं कहाँ जाते हैं फिलहाल, कोई पता नहीं। ये चेक करें जी, अभी जहाँ इसको बलून को नज़र आ जाए ना भाई, ये छोड़ता नहीं है जब तक बलून लेना ले। ये मुशोपश क्या है, कुकू, मुशोपश कुकू है। अभी यहाँ से आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम खा के बस गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, उसके बाद फिर हम घर की तरफ। ये जी कौन स्वीट क्रीम की मेरी फेवरेट फेवरेट कौन है वैसे, ये पूरे लाहौर में कोई चम्मच चुम्मच कोई कुछ नहीं। चले जी, बर्ड्स का दाना डन हो चुका है, दाना चेंज कर दिया है बर्ड्स का सबका, और जो बाहर जो होता है कबूतरों को लाता है वो भी डाल दिया है। खैर भाई आज का व्लॉग यहीं तक था, आपने देखा भाई मेरा नक्शा जमा नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश मैंने बहुत की थी, मैं बड़ा खुश था कि आज मेरा नक्शा जमा हो जाएगा, क्योंकि नक्शा अगर आज जमा होता तो मुझे 10 से 12 दिन बाद मुझे नक्शा मिल जाना था पास होके, और उसके फौरी बाद मैंने अपना घर स्टार्ट कर लेना था। लेकिन अभी मुश्किल हो, अभी बस ये है कि बस थोड़ी सी ऑब्जेक्शन लग गई है, कोई नहीं इंशाल्लाह वो मैंने फिलहाल फाइल जहाँ से मैंने बनवाया था फाइल वहाँ पर मैंने पहुँचा दी है, तो काशिप भाई ने बोला था यार कोई नहीं हम पापा कल ले लेंगे, तो फिर अगले दिन जाके हम सुबह जाके जमा करवा देंगे, मसला कोई नहीं है। मैं कहा यार भाई मसला, लेकिन दो दिन मैं वैसे आज बहुत खुश था यार, खैर जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। खैर इसी साथ मेरे स्कूल होता है एकदम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मैं चैनल सब्सक्राइब कर साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिल जाएगा किसी नेक्स्ट किसी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, हंसते रहे मुस्कराते रहे, खुशियाँ बांटते रहें भाई।